Hello students, this is Rakesh Kapoor. This is video number 1 of Specific Relief Act 1963, and in this video we are going to study about the object of this act. Specific Relief Act contractual transactions ke sath connected hai. Jab kabhi bhi koi contractual transaction occur hoti hai to wahan par parties ki mutual rights aur liabilities arise hoti hain. Just for example, अगर एक पार्टी ने अपनी टर्म्स और कंडीशंस या कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया है तो दूसरी पार्टी इसके पास कुछ रेमेडी अवेलेबल है. इन रेमेडीज में पार्टी के पास ऑप्शन अवेलेबल है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच की वजह से जो भी लॉसेस हुए हैं उसके लिए वो कॉम्पनसेशन को क्लेम करे. एंड अदर ऑप्शन इज दैट ही कैन क्लेम फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. यानी कि अगर कहीं पर भी कोई कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो रहा है तो टू रेमेडीज किसी इंडिविजुअल पार्टीज के पास अवेलेबल हैं कि या तो वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर लें और या फिर वो एक सूट फाइल करें कि मुझे इस पर्टिकुलर जिस एक्ट को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था उस कॉन्ट्रैक्ट में उसी को स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जाए. तो जहां पर पार्टी किसी पर्टिकुलर एक्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किया गया था उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म करने के लिए सूट फाइल करता है और वो ये कहता है कि मुझे कॉम्पनसेशन मेरे को एडिक्वेट रिलीफ प्रोवाइड नहीं करेगा तो कोर्ट ऐसी सिचुएशन में उसी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर्स पास कर सकती है. तो इसी को हम एक स्पेसिफिक रिलीफ बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट स्पेसिफिक रिलीफ इज अ रेमेडी विच एम्स एट द एग्जैक्ट फुलफिलमेंट ऑफ एन ऑब्लिगेशन or the specific performance of the contract. Thank you so much for watching this video. You can watch our other videos on the Specific Relief Act.